हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम वेजिटेबल बेसन कटलेट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप बेसन लिया है। अब इसमें एक कप सूजी मिला लेंगे, नमक, एक चम्मच नमक लिया है, एक चौथाई चम्मच हल्दी, लाल मिर्च आधी चम्मच। इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिला लेंगे। थोड़ा और पानी डाला है। एक कप पानी और ऐड किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एकदम पतला होना चाहिए। इनमें एक चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ये बैटर डाल लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए कुक कर लेंगे। इसे हम 4 से 5 मिनट तक लगातार चला लेंगे, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ये गाढ़ा हो गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 4-5 मिनट ठंडा होने रखेंगे। अब हम इसमें सब्जी डालेंगे। ये शिमला मिर्च है, प्याज एक बारीक कटी हुई, पत्ता गोभी एक कप ग्रेट की हुई। अब हम इन सब सब्जियों को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब हम एक किनारी वाली प्लेट पे तेल लगा लेंगे। और इस मिक्सचर को इसमें अच्छे से फैला लेंगे। हमने इसे अच्छे से प्लेट पे फैला लिया है। अब हम इसे 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। दस मिनट हो चुके हैं, ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके इस तरह से राउंड पीसेस कर लेंगे। हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसको एक एक करके इसमें डाल देंगे। ये हमारा एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। हमारा एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेंगे। सारी कटलेट बनके तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। वेजिटेबल बेसन कटलेट बनके तैयार है। इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।